दोस्तों, अगर आप भी एक नए नए यूट्यूबर और यूट्यूबर वीडियो अपलोड करते हो और आपके यूट्यूब चैनल पर 10, 20, 50, 100 सब्सक्राइबर है तो यूट्यूब की तरफ से गजब का एक अपडेट आया है। इस अपडेट से दोस्तों अपने हर एक वीडियो को यूट्यूब पर वायरल कर सकते हो। तो इस अपडेट दोस्तों आपके यूट्यूब चैनल पर कैसे वर्क करेगा, इस अपडेट से दोस्तों आप अपने वीडियो को कैसे वायरल करोगे, सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो के एंड तक आप जरूर देखना और आप लोगों ने मेरी इस वीडियो को लाइक नहीं की लाइक जरूर कर देना, और मेरे चैनल पहली बार है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए आइए करते वीडियो को स्टार्ट। तो देखो दोस्तों, मैं अपना साइड और अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग को लगाता हूं, ध्यान से हर एक प्रश्न को देखना कि इस अपडेट से दोस्तों आपको वीडियो कैसे वायरल होगा, ये अपडेट आपके यूट्यूब चैनल पर कैसे वर्क करेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आप अपने वाटी एसपी एप्लीकेशन को ऑन करते हैं, ठीक है। यहाँ देखो मेरा वाटी एसपी एप्लीकेशन ऑन हो चुका है। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, ऊपर में देखना इस जगह आपको अपडेट देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो दोस्तों, आपको प्लस आइकन का एक ऑप्शन आपको दिख रहा है। ये अपडेट दोस्तों क्या, पहले आपको यहाँ पर ऑप्शन नहीं था, लेकिन यूट्यूब ने दोस्तों अभी कुछ दिन पहले दोस्तों इस फीचर्स को लॉन्च किया है। अब इस फीचर से दोस्तों आपको कैसे फायदा होगा, इस फीचर से कैसे आपको वीडियो वायरल होगा, सारी चीज मैं आपको बताने वाला। वीडियो को ध्यान से पहले एक बार आप जरूर देख लेना, ठीक है। पहले देखो दोस्तों होता क्या था, पहले जब आप YouTube पर वीडियो अपलोड करते थे, YouTube पर आपको वीडियो अपलोड हो जाता था वहां पर, उसके बाद करते क्या था, आपने जो भी टैग वगैरह लगाना पड़ता था मोनेटाइजेशन को ऑन ऑफ करने के लिए, आपको वाईटी स्टूडियो एप्लीकेशन से करना पड़ता था। लेकिन दोस्तों यूट्यूब क्या किया दोस्तों, सारे फीचर्स को दोस्तों अपने वाईटी स्टूडियो में ही डाल दिया है। आप यहीं से वीडियो अपलोड कर सकते हो, यहीं से टैग लगा सकते हो, यहीं से अपने मोनेटाइजेशन को ऑन ऑफ कर सकते हो, मतलब सारी फीचर्स यहीं से आप कर सकते हो, ठीक है। इससे बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है, तो सब कुछ मैं बताने वाला हूं। पहले वीडियो को आप ध्यान से एक बार आप जरूर देख लेना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से मैं प्लस आइकन में क्लिक करता हूँ। प्लस आइकन में जैसे मैंने क्लिक किया दोस्तों, यहाँ पर देखो मेरा गैलरी ओपन हो चुका है इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों चलिए मैं एक वीडियो को कोई ले लेता है यहाँ पर, ठीक है। चलिए यहाँ से कोई वीडियो को मैं यहाँ पर मैं ले लेता हूँ इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ से कोई एक वीडियो को इस प्रकार से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए मेरा वीडियो सेलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर देखना दोस्तों कैसे सारे प्रोसेस आपको करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पेंसिल आइकन में क्लिक कर लेना, और यहाँ पर जो जो भी आप थंबनेल बना के रखो वो थंबनेल यहाँ से इसको अपने वीडियो में इस प्रकार से लगा लेना पहले, ठीक है। यहाँ चलिए मैं अपना थंबनेल को लगा लेते हैं, चलिए थंबनेल में लगा लिया यहाँ पर, इसको मैं कर देता हूँ डन। तो यहाँ पर देखिए मेरा थंबनेल भी लग चुका है, सब एक ही साथ हो रहा है। अब देखो दोस्तों नीचे क्या आ रहा है, यहाँ पर देखिए टाइटल आ रहा है। तो आपको जो भी जिस वीडियो जिस कंटेंट का रहेगा दोस्तों, उसको यहाँ पर टाइटल आपको डाल देना। जैसे मैं डाल देता हूँ अपना टाइटल, आपको कुछ लिख देता हूँ सब्सक्राइबर, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाए, यहाँ पर एक लिख दिया। फिर यहाँ पर कुछ स्पेस इस प्रकार से देंगे, फिर दूसरा यहाँ पर एक और मैं वो टाइटल इस प्रकार से मैं डाल देता हूँ, ठीक है। हाउ टू इंक्रीज सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब, इतना में डाल दिया। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पर पूरा कॉपी कर लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है। चलिए यहाँ से इसको पूरा हम कॉपी कर लेते हैं अपने टाइटल को, यहाँ पर इस प्रकार से कॉपी करके दोस्तों क्या करें, इसी डिसीजन में ही जाकर तुरंत यहाँ पर इसको हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से मेरा पेस्ट हो चुका है। अब यहाँ से इसको बैक आते हैं, बैक आने के बाद देखो दोस्तों यहाँ पर नीचे आपको पब्लिक है, ठीक है, विजिलिटी में। तो आप जब भी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करोगे दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, तुरंत डायरेक्ट पब्लिक में वीडियो अपलोड करते हैं, ये काम आपको गलती नहीं करना है। यहाँ पर इसको वीडियो को अनलिस्ट में रख के आपको अपलोड करना है वीडियो को इसमें, ठीक है। इसमें आप अनलिस्ट में कर दिया, आप यहाँ पर नीचे सेक्शन आ रहा है ऑडियंस का, ऑडियंस में आपको क्लिक करना, और यहाँ पर दोस्तों आपको सेकंड नंबर में आपको क्लिक कर लेना। अगर आप चाहते हो कि आपको वीडियो ज्यादा व्यू जाए, यहाँ पर सेकंड नंबर में क्लिक कर लेना। बाकी दोस्तों क्या करना, यहाँ से बैक आना और नीचे यहाँ पर दोस्तों नीचे कमेंट का ऑप्शन आ रहा है, कमेंट में जाकर दोस्तों अगर आप चाहते हो कि मेरे वीडियो को कमेंट करे तो दोस्तों उसके लिए यहाँ पर ऑन कर देना। अगर चाहते हो कि नहीं को कमेंट नहीं करे तो यहाँ पर इसको ऑफ भी रख दे सकते, ठीक है। चलिए इसको मैं अपना कमेंट को ऑन ही रखने देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए शॉर्ट रिमिक्सिंग का है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली क्या कर देना है, वीडियो को अपलोड कर देना है, ठीक है। इतना तक हो चुका है दोस्तों। अब यहाँ पर आपको टैग लगाना है, ठीक है। टैग वगैरह लगाने के बारे अब यहाँ पर आ गए, जब वीडियो आपको अपलोड हो जाएगा पूरा, उसके बाद आपको टैग लगाने का आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से पहले वीडियो को मैं आपसे अपलोड होने देते हैं। अब देखो दोस्तों मेरे यहाँ से वीडियो मेरा अपलोड हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ से वीडियो में टैग लगाएं, टैग लगाने दोस्तों यहाँ पर सीधे साइड में देखिए थ्री डॉट है, थ्री डॉट में आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको एडिट सेक्शन में आपको चले जाना है। एडिट सेक्शन में जैसे जाओगे दोस्तों यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आपको ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो आप दोस्तों क्या क्या है, नीचे जो आपको यहाँ पर देखिए मोर टैग आपको जो ऑप्शन दिया, सिंपली क्या करना, मोर टैग में आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर देखो आपको एक टैग में यहाँ पर जो भी वीडियो का टैग लगाना चाहते हो यहाँ पर टैग डाल सकते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर मैं डाल के दिखा देता हूँ, यहाँ पर चलिए मैं अपना टाइटल रखा हूँ, इस टाइटल को दोस्तों यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ से अपने टाइटल को यहाँ से मैं इस प्रकार से एक कॉपी करता हूँ, पहले कॉपी हो चुका है। अब यहाँ पर नीचे दोस्तों मोर टैग में जाकर दोस्तों क्या करेंगे, अपना यहाँ पर एक टैग में इसको डाल देते हैं। यहाँ पर देखिए मेरा टैग बन चुका है। अब दोस्तों क्या करेंगे, दूसरे जो मैं यहाँ पर टाइटल लगाए दूसरी टाइटल को यहाँ पर मैंने कॉपी इस प्रकार से मैं कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से कॉपी कर लिया इसको। अब नीचे फिर मोर टैग में जाकर दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, अपने यहाँ पर इसको मैं टैग सेशन में इसको भी यहाँ पर डाल देते हैं, इसको भी हम टैग बना देते हैं। अदरवाइज दोस्तों जो भी यहाँ पर आपको टैग डालना है दोस्तों इस प्रकार से यहाँ भी आप टैग डाल सकते हो। यहाँ पर दोस्तों आप 10 टैग आप डाल सकते हो, ठीक है। बाकी दोस्तों यहाँ पर नीचे आपको कुछ भी नहीं करना। अगर आप जो कटेगरी रहेगा दोस्तों अपने कटेगरी में जाकर दोस्तों अपने यहाँ पर जो भी वीडियो का आपका कटेगरी रहेगा, आप जिस भी कटेगरी वीडियो बनाते हो वो कटेगरी दोस्तों यहाँ से अपना सेलेक्ट आप कर लेना, ठीक है। इतना कर लेना, इतना करने दोस्तों यहाँ पर इसको सेव कर देना, ठीक है। ये आपका सेव हो जाएगा दोस्तों, आपका सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने यहाँ पर वीडियो अनलिस्ट में भी अपलोड किया था, ठीक है। फिर क्या करेंगे दोस्तों, फिर यहाँ पर थ्री डॉट में क्लिक करेंगे दोस्तों, फिर एडिट सेक्शन में जाएंगे। एडिट सेक्शन में जाने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, आप जब यहाँ पर देखो दोस्तों मेरे वीडियो मेरा अनलिस्ट में है, तो इसको अनलिस्ट में क्लिक करके और यहाँ पर इसको हम कर देते हैं इसको पब्लिक, इस प्रकार से पब्लिक करके सेव कर देते हैं। तो ये मेरा दोस्तों यहाँ पर मेरा
तो यहाँ पर दोस्तों मेरा वीडियो का पब्लिक हो चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों अपने हर एक वीडियो को दोस्तों अपने वाटिस एप्लीकेशन से दोस्तों अपलोड करो दोस्तों, आपको वीडियो दोस्तों क्या होगा दोस्तों आपको ज्यादा रीच मिलेगा। पहले क्या होता था दोस्तों, आप यूट्यूब एप्लीकेशन से आपको वीडियो अपलोड करना पड़ता था, उसके बाद दोस्तों क्या होता था आपको वाटिस एप्लीकेशन में जाकर वहां पर टैग लगाना पड़ता था, मोनेटाइजेशन को ऑन ऑफ करना पड़ता था। लेकिन दोस्तों यूट्यूब ने क्या किया, सारी फीचर्स को एक ही एप्लीकेशन में डाल दिया है वाटिस व्यू में। यहीं से आप वीडियो को अपलोड करो, यहीं से आप टैग लगाओ, यहीं से आप थंबनेल लगाओ, यहीं से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भरो, और यहीं से दोस्तों अपना मोनेटाइजेशन को ऑन ऑफ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जैसे मेरा मोनेटाइजेशन नहीं दिखाया क्योंकि मेरा चैनल अभी मोनेटाइज नहीं है। अगर आपको मोनेटाइज चैनल होगा दोस्तों, यहाँ पर आपको मोनेटाइजेशन ऑन ऑफ करने का आपको ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो आई होप कि दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताया वीडियो को इंटरेस्टिंग लगा, वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल पहली बार है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल करें ताकि जब मैं वीडियो को पोस्ट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिले, उस वीडियो को आप देख सको। चलिए मैं देखिए, खेला खेला दोस्तों, जय हिंद जय श्री राम।